आपको सवाल में एक जदवल दी हुई है, आपको उसे मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले जदवल में आपको पहले सवाल में निष्पुत्र आर दिया हुआ है, जो है सात सम। उत्तर आपको पता करना है और मुहित भी आपको पता करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने सीखा है, उत्तर ये निष्पुत्र का दुगना होता है। तो चलिए आपको निष्पुत्र दिया हुआ है सात सम, इसको डबल कीजिए, सात होनी चौदह, तो आपका उत्तर आ गया है चौदह सम। इस तरह से अब आपको यहाँ पर मुहित मालूम करना है, तो मुहित का जाप्ता आपको पता है, मुहित बराबर है, मुहित को सी से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, मुहित सी बराबर है टू पाई आर। तो चलिए यहाँ पर आपको कीमत दी हुई है, दो जर्ब पाई की कीमत आपको पता है बावीस बट्टे सात, जर्ब आर आपको दिया हुआ है निष्पुत्र, आपको मुहित मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए ये साथ कैंसल, अभी ऊपर बचा है दो जर्ब बावीस, बावीस होनी चौवालीस, तो आपका मुहित आया है चौवालीस सम, दायरे का मुहित चौवालीस सम है। इस तरह से आपने ये पहला सवाल मुकम्मल किया। अगले सवाल में आपको मुहित दिया हुआ है 616 सम, आपको निष्पुत्र और पुत्र मालूम करना है, आपको ये दोनों भी नहीं पता। तो चलिए सबसे पहले हम मुहित मालूम करेंगे, मुहित का जाप्ता आपको पता है, मुहित बराबर है टू पाई आर। तो चलिए मुहित दिया हुआ है आपको 616 सम, दो जाप्ते में है, पाई की कीमत आपको पता है बावीस बट्टे सात, आर पता नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम मालूम करते हैं 616 जर्ब, ये साथ नीचे है, इधर आके ऊपर जर्ब में जाएंगे और ऊपर की जो कीमतें हैं वो नीचे तकसीम में जाएंगी, बराबर है आर। तो चलिए हम इसे कट करते हैं, दो एकन दो, दो एकन दो, दो तिया छ, दो अठे सोलह, दो नंबर है इसलिए जीरो लगा के हम तकसीम करेंगे, ग्यारह एकन ग्यारह, ग्यारह दोनी बावीस, इसमें बचे आठ, ग्यारह अठे अट्ठासी। अभी और ये दो से तकसीम होता है, दो एकन दो, दो एकन दो, दो सौ आठ, कितना बचा है ऊपर चौदह और इधर सात, यानी आर बराबर है चौदह जर्ब सात। चलिए आपको जर्ब करने आती है, चौदह और सात की जर्ब कीजिए, चौदह सते अठियनौ, तो यहाँ पर आपका निष्पुत्र आया है अठियनौ, ठीक है। निष्पुत्र आपको पता चल चुका है, निष्पुत्र बराबर है अठियनौ, इससे आप पुत्र पता कर सकते हैं, पुत्र निष्पुत्र का दुगना होता है, तो पुत्र बराबर है दो जर्ब निष्पुत्र। तो चलिए दो फॉर्मूले में दो जर्ब निष्पुत्र है अठियनौ, तो चलिए जर्ब कीजिए, इसका जवाब आया है 196 सम, और निष्पुत्र है 98 सम, और पुत्र है 196 सम। इस तरह से हमने इस सवाल में पुत्र और निष्पुत्र की कीमतें मालूम की।